अच्छा आप लोग डाक बम से हैं क्या? हाँ डाक बम। अच्छा देखिए यहाँ पे डाक बम है ये, मतलब शाम तक जो है यहाँ से मुजफ्फरपुर पड़ता है, गरीबनाथ पड़ता है लगभग 70-80 किलोमीटर का। जी जी। शाम तक इन लोग का टारगेट है कि शाम में जल बाबा को ढार देना। चूंकि आज तो देखिए अभी हम लोग पुरुष के लाइन में खड़ा है, पुरुष का लाइन देखिए यहाँ से जो है आगे जाके मंदिर इस साइड में है, और यहाँ पर मंदिर भी है जो बहुत पुरानिक है, जहाँ पे लोगों को भक्त को जाने से मनोकामना पूर्ण होती है। चढ़ा दिए हैं जल, चढ़ा दिए। कहाँ से आए हैं जल चढ़ाने के लिए? पटना से। पटना से आए हैं, रानी घाट से। अच्छा। तो देख लीजिए मंदिर परिसर के ठीक बगल में यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो कि धर्मशाला है। बोल बम। बहुत बार, हम तो पहली बार आए थे ना, हम बहुत बार आते हैं। एक बार बोलिएगा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। तो दोस्तों आज का ये जो ब्लॉग है बिल्कुल हट के होने वाला है, क्योंकि अभी हम है गंगा किनारे, गंगा घाट पे, और ये गंगा घाट जो है पहलेजा सोनपुर का गंगा घाट है, और यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ से जो है बहुत जगहों के लिए जल उठता है, और आज सावन का तीसरा सोमवारी है, तो सोचा कि हम भी जो है जल उठा करके बाबा भोला का दर्शन कर ले। तो यहाँ से हम जल उठाने वाले हैं आज की डेट में तीसरी सोमवारी को, और यहाँ से बाबा हरिहरनाथ का को जल अर्पित करने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू आप देखिएगा, क्योंकि मैं शुरू से लेकर के अंत तक कैसे जल उठाया जाता है पूरा कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और यहाँ पे कब कहाँ के लिए जल उठता है, क्योंकि यहाँ से गरीबनाथ मुजफ्फरपुर वहाँ के लिए भी जल उठाया जाता है, और सोनपुर का बाबा जो हरिहरनाथ है वहाँ के लिए जल उठाया जाता है, और यहाँ पे जो लोकल ग्रामीण मंदिर होता है वहाँ के लिए भी लोग जल उठाते हैं, और काफी भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देख लीजिए पहलेजा घाट का मार्केट है, यहाँ पे जल उठाने के लिए डब्बा वगैरह सब सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल होता है, इधर आपका सारा सामान पूजा की सामग्री मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ बाबा लोग बैठे हुए हैं जो आपको यहाँ पे संकल्प करवाते हैं, और जहाँ भी जल आपको डालना है वहाँ के लिए आप जा सकते हैं। और सामने देखिए माँ गंगा है, वहाँ से लोग जल उठाते हैं, तो हम भी चलते हैं अपना जल उठाते हैं, डब्बा पहले ले लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद जल उठा करके फिर चलते हैं आगे। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो, अगर दूर से आते हैं तो स्लीपर में आइए, नहीं तो लोकल है तो आप खाली पैर भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है चप्पल जूता खोलना होता है और उसके बाद जल उठा करके जाना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना चप्पल, मैं स्लीपर पहन के आया था, तो स्लीपर को यहीं पे उतार दूंगा। यहाँ से हम डब्बा ले लेते हैं, कितने का है डब्बा? 10 का है, तो 10 रुपए का इस तरह का डब्बा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाबा से चंदन करवा लिए हमने, यहाँ पे चलते हैं अब जल लेने के लिए, गंगा किनारे माँ गंगा का जल लेंगे और बाबा भोला को अर्पित करने वाले हैं। यहाँ पे हमने जल उठा लिया है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ और बाबा भोला को जल ढारने वाले हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिएगा बोल बम बोल बम। यहाँ पे जल उठा लिए, बाबा से संकल्प करवा रहे हैं, क्योंकि संकल्प करवा कर ही जल ढारना होता है आपको। यहाँ पे बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे आपको बैठे हुए, और उनसे संकल्प करवाने के बाद आप जहाँ पे जल ढारना है गरीबनाथ या फिर बाबा हरिहरनाथ वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर लोकल जो भी मंदिर होता है वहाँ के लिए भी आप प्रस्थान कर सकते हैं। पवित्र पवित्रो वावस्थानी का अच्छा गुनाथ गंगा नारायण विष्णु विष्णु हरि हरि गंगा हरि हरिओम विष्णु विष्णु। आइए जानते हैं यहाँ के बाबा से जो यहाँ पे संकल्प करवाते हैं यहाँ का महत्व क्या है, और फिर मतलब यहाँ पे कौन कौन सा दिन ज्यादा भीड़ रहता है, या फिर यहाँ पे कौन सा दिन जल उठा के कहाँ के लिए लोग प्रस्थान करते हैं? ये जो है ये उत्तरवाहिनी गंगा भागीरथी से जुड़ा हुआ है पहलेजा घाट, समझे। यहाँ हर साल सावन मास में यहाँ लाखों श्रद्धालुओं जुटते हैं, यहाँ से जल उठ कर करके
बाबा हरिहर नाथ होते हुए बाबा गरीबनाथ द्वार तक पहुंचाते हैं श्रद्धालु भक्त, और उसके बाद अन्य अन्य गांव में भी लोग श्रद्धालु भक्त जल लेकर के बाबा भोले पर जलाभिषेक करते हैं। ये भागीरथी गंगा बिहार में एक ही गंगा है, पहले तो देवघर भी बिहार में थे लेकिन अब झारखंड में चले गए हैं बाबा, तब पर भी सुल्तानगंज बिहार में ही भी गंगा है, और सुल्तानगंज के बाद दूसरा स्थान पहलेजा धाम है। यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूरी पर बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है, वहाँ भी लोग लाखों श्रद्धालु भक्त जलाभिषेक करते हैं, और यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर बाबा गरीबनाथ का मंदिर है मुजफ्फरपुर में। शुक्रवार के दिन जो जल उठाते हैं श्रद्धालु, वो सोमवार को दिन चढ़ाते हैं, यानी 3 दिन उनके रास्ते में लगते हैं, और रविवार जो डाक बम बोलते हैं, रविवार को दिन जो जल उठता है डाक बम, वो 8-10 घंटे में बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक होता है। यहाँ पे आम लोग हैं, पब्लिक है, आप बताइए जल ढाल नहीं है? हाँ, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा गलती यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा किसी को स्वास्थ्य के लिए मतलब समझे, ऐसे शौचालय के लिए इतना गलती यहाँ पे चल रहा है कि जिसको लेडीज को कुछ भी ना, यहाँ पे रूम है ना, क्या कपड़ा कोई बदलेगा जी, मतलब व्यवस्था पूरी तरीके नहीं है। कहाँ है बताइए तो, आप सब कोई भी देख रहे हैं, नहीं उतना पैखाना है सब पैखाना, उसमें भी नहीं है व्यवस्था, कपड़ा बदलने के लिए इसमें चाहिए गैंग, सब कोई अपना अपना कुर्सी बैठा रहा है, मतलब अथी लगा रहा है, इसका मतलब नहीं है, इसमें चाहिए लेडीज को स्वस्थ, यानी कि उनको चाहिए सही। कपड़ा चेंज करना, हर कुछ नहीं चाहिए हमको यहाँ पे, हर साल ये भी देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज नहीं मिलता है। यहाँ पे अब हम प्रस्थान कर रहे हैं बाबा हरिहर नाथ को जल ढारने के लिए, जो कि सोनपुर में पड़ते हैं, और अभी हम पहलेजा घाट से आए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बाबा से बात किए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे शुक्रवार को ज्यादा भीड़ रहता है, शुक्रवार को यहाँ पे जल उठाते हैं लोग, और गरीब रात जो मुजफ्फरपुर में यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर, वहाँ लोग पैदल जाते हैं, तो पैदल जाने का 2-3 दिन समय लगता है, इसलिए वो शुक्रवार को जल उठाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शनिवार को सुबह भी जल उठाते हैं, और जो डाक बम जाते हैं बाबा गरीबनाथ के लिए, वो कल यानी संडे के दिन जल उठाते हैं, और वो 12-18 घंटे में वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे पैदल बिना रुके हुए, वो डाक बम जाते हैं, और जो आज जल उठता है, आज तीसरा सोमवार है, आज जो जल उठाया जाता है सोमवार को बाबा हरिहर नाथ को जल अर्पित करते हैं, या फिर जो गाड़ी से गरीबनाथ जाते हैं वो जाते हैं, या फिर जो लोकल मंदिर है वहाँ के लिए लोग जल उठा करके बाबा पर अर्पित करते हैं। तो देखिए यहाँ जो भी आज के लिए गरीबनाथ के लिए निकलते हैं वो गाड़ी से आते हैं, और गाड़ी से ही गरीबनाथ को यानी बाबा भोला को जल अर्पित करते हैं। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं, देखिए हम लोग भी गाड़ी से ही जा रहे हैं, बाइक से ही जा रहे हैं, क्योंकि पैदल जो फासला पड़ता है वो लगभग 7-8 किलोमीटर का पड़ता है, पहलेजा घाट जहाँ से भी जल हमने उठाया है वहाँ से बाबा हरिहर नाथ सोनपुर मंदिर तक का जो रास्ता पड़ता है वो लगभग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, तो इसलिए हम लोग भी गाड़ी से आए थे और गाड़ी से ही जल उठा करके वहाँ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और देखिए कुछ लोग पैदल भी आपको जाते हुए दिख जाएंगे, देखिए देख लीजिए यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग अब बजरंग चौक पहुँच गए हैं और आगे मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, हम लोग मंदिर के पास बस पहुँच ही गए हैं, कुछ ही दूरी पे मंदिर स्थित है, और देखिए सामने की तरफ जाम लग गई है, देख लीजिए। यहाँ पे हमने अपना गाड़ी पार्किंग में लगा दिया है, ये पार्किंग एरिया है, 4-व्हीलर का पार्किंग आगे में है, उधर देख लीजिए और आगे भी पार्किंग है, मतलब 2 पार्किंग यहाँ बनाया गया, और इस जगह से अब आगे हम बढ़ रहे हैं पैदल, और यहाँ पे देखिए बैरिकेटिंग किया गया है यहाँ से, यानी इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकता है, गाड़ी जो है इधर ही पार्क कर दीजिए अगर गाड़ी से आप आते हैं तो, और इधर यहाँ से फिर पैदल आपको प्रस्थान करना होगा मंदिर की तरफ। देखिए जो भी गाड़ी है सब पार्किंग में चले जाते हैं यहाँ से इस तरफ, और यहाँ पे बैरिकेटिंग जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, और इस तरफ देखिए लोग पैदल जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो इधर कुछ पंडाल भी बने हुए आपको दिख जाएंगे, जो दूर से आते हैं शायद यहाँ पे वो रुकते होंगे, की तरफ देखिए प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। तो जैसे ही उस जगह से आगे बढ़ा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए इस साइड से महिला का जाने का रास्ता बनाया गया है, और इधर से पुरुष का है, और इस साइड से जो उधर से जल ढार के आते हैं उधर से आने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए प्रशासन लोग तैनात है, तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे की तरफ, और यहीं से जो है बैरिकेटिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। अभी इस एरिया में जो है भीड़ नहीं है, आगे हो सकता है भीड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि बहुत दूर से ही ये बैरिकेटिंग बनाया गया है, ताकि बहुत ज्यादा भीड़ होने पे लोग लाइन से ही, बहुत दूर से लाइन से ही अपने कतार में ही बाबा का दर्शन कर पाए।
देखिए इस जगह से जो है भीड़ आपको अब देखने के लिए मिल जाएगा, भीड़ बढ़ता जा रहा है अब। ऐसा तो कुछ लोग भी साथ में जा रहे हैं, तो कहाँ से आप आए? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से जल उठाया पहले जा। तो आपका यात्रा कहाँ से कहाँ तक है? पहले जा हरिहर नाथ, फिर अपना गरीब स्थान, बाबा गरीब स्थान। अच्छा, तो पहले जा से जल उठा के यहाँ पे आए हैं? हाँ। जी हम लोग पहले जा से। अच्छा, आप लोग साथ ही में हैं? हाँ। अच्छा, तो पैदल अभी यात्रा करें? हाँ, पैदल यात्रा करें। तो फिर वहाँ पे गरीबनाथ कब पहुँचेगा आप लोग यहाँ जल ढालने का? कितना दिन का समय लग जाएगा वहाँ पहुँचने में पैदल? शाम तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, आप लोग डाक बम से हैं क्या? हाँ, डाक बम। अच्छा, देखिए यहाँ पे डाक बम है, ये मतलब शाम तक जो है यहाँ से मुजफ्फरपुर पड़ता है, गरीबनाथ पड़ता है लगभग 70 से 80 किलोमीटर का। जी जी। शाम तक इन लोग का टारगेट है कि शाम में जल बाबा को ढा देना, क्योंकि आज तीसरी सोमवार है। हाँ, तो आज शुक्ल पक्ष है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग शुक्ल पक्ष में ही जल चढ़ाते हैं। अच्छा, इसीलिए हम लोग शुक्ल पक्ष में चले आज, मतलब बाबा को जल ढा दे। हाँ, आज बार शाम बोलिएगा प्रेम से, बोल बा बोल बा बोल बा। पीछे की तरफ लाइन जो है मतलब भीड़ बढ़ता जा रहा है, और मैं आगे भी आपको कैमरा रोटेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अभी हम लोग पुरुष के लाइन में खड़ा है, पुरुष का लाइन देखिए यहाँ से जो है आगे जाके मंदिर इस साइड में है, और यहाँ पे देखिए इधर महिलाओं का लाइन है देख लीजिए, और इधर भी भीड़ बढ़ता जा रहा है, और मंदिर जाने का रास्ता आगे देखिए बहुत दूर से मंदिर वहाँ पे है, आगे जाके ऐसे आपको लेफ्ट टर्न होगा होना होगा, और यहाँ देखिए यहाँ तक भीड़ जो है बढ़ गया है, और जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, देख लीजिए आप पीछे की तरफ। यहाँ पे मैं खुद पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, भैया आप कितने बार आए आप बताइए? ये मैं पांचवी बार कमर चढ़ रहा हूँ। तो यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ की कहानी क्या, क्या महत्व है यहाँ? ये जो है सो ये जो भगवान है वो नारायणी पत्थर से बना है। अच्छा, नारायणी पत्थर अर्थात जो गंडक नदी में जो पत्थर है ना। हाँ, वो उसका पत्थर भगवान नारायण होता है। बिल्कुल, नारायणी पत्थर से भगवान से बने हैं। हाँ। इस मंदिर की स्थापना नेपाल के सेनापति ने किया था। अच्छा, इधर देख के बोलिएगा। इस मंदिर की स्थापना नेपाल के सेनापति ने किया था, अर्थात किसी जमाने में नेपाल की सीमा यहाँ तक हुआ करती, मतलब नेपाल यहाँ तक था पहले नेपाल की समय में। जी। और आप जब मंदिर पर जाएंगे तो वहाँ पर जब कलाकृति देखेंगे। अच्छा। या जो शब्द देखेंगे जो मतलब वहाँ पर उधर ही दीवार पे लिखा गया है, नेपाली भाषा लिखा हुआ। अच्छा, जय। तो देखिए यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में हम पहुँच गए हैं, बस वहाँ से 5 मिनट का समय लगा है, क्योंकि आज सोमवारी है, तीसरी सोमवारी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मॉर्निंग में ही सुबह में ही आ गए हैं, और बहुत सारे लोग जो है जल ढाल कर निकल गए हैं। लोग ऐसा बता रहे हैं कि अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम देख कर बताने की कोशिश करता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, और 9 बजे जो है 75% लोग ऐसे हैं जो जल ढाल कर चले गए, 25% लोग जो है हम आप बचे हुए हैं जो जल ढालने के लिए यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। देखिए ये है मंदिर का मुख्य द्वार, और यहाँ से मंदिर जो है मंदिर के कैंपस में बस हम इन करने वाले हैं, और देख लीजिए मुख्य द्वार है ये मंदिर का, इसको सजाया गया है, और यहाँ पे प्रशासन की टीम भी तैनात है। मंदिर के ठीक बाबा हरियानाथ मंदिर के ठीक अपोजिट साइड में बजरंगबली का भी एक मंदिर है, यहाँ पे देख लीजिए महावीर मंदिर लिखा हुआ है, और यहाँ भी लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे नंदी है, सबसे पहले आपको मिल जाएंगे, और देख लीजिए यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहाँ पे मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए मैं साथ में आकर जल अपने धार दिया हूँ, और यहाँ पे लोगों को जल में हटाया जा रहा है, देख लीजिए किस प्रकार हटाया जा रहा है, तो बाबा का दर्शन हमें हो गया। तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, तो बाबा का दर्शन हो गया, हमने जल अर्पित कर दिया है यहाँ पे, और वीडियो नहीं बनाने का मौका मिला चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, एक दो फोटो लिया उसको मैं यहाँ पे मैं लगा दूंगा वीडियो में, तो देख लीजिए कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, देखिए चारों तरफ पूरा भीड़ ही भीड़ यहाँ पे हो गया है, और काफी
काफी लोग, आज तीसरी सोमवारी है तो बाबा का दर्शन करने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे मेन मंदिर है बाबा हरियरनाथ का, इस साइड में देखिए मेन गेट है जिससे मैं अभी आया हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए नवग्रह का मंदिर है यहाँ पे, मतलब चारों तरफ मंदिर है। इधर माता संतोषी माता का मंदिर है, यहाँ पे बजरंगबली विराजमान है और यहाँ पे निकास द्वार है। आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आगे में मनसा माता का मंदिर है, मतलब चारों तरफ जो है वो मंदिर यहाँ पे दिखेगा आपको। देख लीजिए यहाँ पे देखिए मनसा माता का मंदिर है, यहाँ पे एक लाइन से चारों तरफ मंदिर के कैंपस में पूरा जो है यहाँ पे भगवान और माताएं विराजमान है। इधर मैं धर्मशाला की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए इधर ये धर्मशाला है और पीछे में देख लीजिए कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे है। देख लीजिए बोलबम, देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। और मंदिर के ठीक बगल में यहाँ पे लोगों को रुकने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा धर्मशाला बनाया गया, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख लीजिए मंदिर परिसर के ठीक बगल में यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो कि धर्मशाला है, बोलबम। और ये देखिए धर्मशाला का बिल्डिंग, जो दूर दूर से लोग आते हैं जो यहाँ पे रुकना चाहते हैं यहाँ पे उनको रुकने की भी व्यवस्था इस धर्मशाला के माध्यम से की गई है। यहाँ पे बाबा हरियरनाथ को जल चढ़ा दिया है और यहाँ पे इस मंदिर के जो पुजारी है, मतलब यहाँ पे जो पूजा करवाते हैं, तो इनसे इस मंदिर के महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर बहुत दूर दूर से लोग क्यों आते हैं, आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या महत्व है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ हरियर क्षेत्र नाम से ये विख्यात है। यहाँ सबसे पहले गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी, जो आगे नारायणी है वहीं पे गज और ग्रह की मूर्ति भी है, वहाँ लड़ाई हुई थी। जो खुद विष्णु भगवान गज को उभारने के लिए आए थे और घड़ियाल जो ग्रह था घड़ियाल को वध किए थे और गज का उद्धार किए थे। और यहाँ जो है ब्रह्मा जी ने खुद हरियरनाथ हरि और हर की स्थापना की है। जो मंदिर है वह शिवलिंग में, एक ही शिवलिंग में हरि और हर दोनों हैं, दोनों स्थापित किए हुए हैं। और ये यहाँ सोनपुर मेला भी लगता है, विश्व प्रसिद्ध मेला, एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला भी लगता है, जो यहीं से शुरू होती है और लगभग 10 किलोमीटर में फैला हुआ यह मेला होता है। यहाँ की मान्यता है, पौराणिक कथा है, हरि और हर की यहीं पर स्थापित शिवलिंग है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यहाँ भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। एक सोनपुर मेला है जो पशु के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर पशु मेला के नाम से एशिया का सबसे विश्व प्रसिद्ध पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेकों तरह के पशु पक्षी आते हैं यहाँ पर मेला में, जो आदर्श का में अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर एक अपरूपी गौरी शंकर मंदिर भी है जो बहुत पुरानिक है, जहाँ पे लोगों को भक्त को जाने से मनोकामना पूर्ण होती है और वहाँ भी लोग जाकर जल चढ़ाते हैं। और यहाँ पर भी बाबा हरिहरनाथ में भी बहुत लोग दूर दूर से आते हैं और मनोकामना सिद्ध होती है, इसलिए लोग ही आते हैं। भगवान, हम लोग सैनिक धर्म से हैं, सनातन धर्म से, इसलिए हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं और जब भगवान पूरा करते हैं तभी लोग दूर दूर से यहाँ पे बाबा हरिहरनाथ में लोग दूर दूर से यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। और आज सोमवारी, तीसरी सोमवारी है और आज के दिन हमारे यहाँ शिवलिंग का श्रृंगार, हमारे शिव जी में हरि और हर का दोनों का श्रृंगार बर्फ से किया जाता है शाम के समय। नारायणी नदी पे हमारे यहाँ महाआरती का भी आयोजन होता है। ये हरिहर मेला है जो हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन से उद्घाटन होता है और जो एक महीना का चलता है, अगहन का पूर्णिमा तक वो एक महीना का सरकारी मेला रहता है। प्रदर्शनकारी जो आते हैं, सरकारी मेला वाले जो आते हैं वो एक महीना का रहता है। और बाकी यहाँ पर एक्चुअली पूरा ठंड जो रहता है, कंबल
रजाई हो गया, जैकेट हो गया, खिलौनों वगैरह का 2-3 महीना का मेला लगता है, बट पशु मेला जो होता है यहाँ पर 1 महीना का होता है, कार्तिक महीना के लेकर अगहन का अगहन के पूर्णिमा तक का 1 महीने का ये मेला लगता है पशु मेला, और ये पशु मेला के नाम से विख्यात है। यहाँ पर अनेकों तरह के पशु, उस समय भी लोग श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने बाबा हरिनाथ का भी, और मेला भी आकर देखते हैं, घूमते हैं, लोग जाते हैं, मनोकामना भगवान हरिनाथ पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं परमिशन से मंदिर का जो छत है, कैंपस कुछ एरिया है वहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ से देख लीजिए कितने ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और अपना अपना जो जल है बाबा को अर्पित कर रहे हैं। और ये देख लीजिए पूरा मंदिर, बाकी आप ड्रोन शॉट में देख ही रहे होंगे, वीडियो में अभी तक देखा ही होगा कि कितना भव्य मंदिर है, कितना बेहतरीन मंदिर है, और ड्रोन शॉट में आपको काफी क्लियर दिख रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर आया हुआ था परमिशन से, तो सोचा कि ऊपर से भी आपको व्यू दिखा दूं कितना यहाँ पे लोग आते हैं। अभी तो भीड़ कम हो गई है, लोग ऐसा बोल रहे थे कि मॉर्निंग में सुबह 5 बजे 6 बजे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा एक्सेस भीड़ थी, चूंकि आज सावन की तीसरी सोमवारी है और सोमवारी के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो देख लीजिए अभी भीड़ जो है, अभी 10 बज गया है समय दिन का, और इसलिए भीड़ जो है थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी भीड़ है। जल ढारने के समय देखिए वहाँ पे धक्का मुक्की भी हो रही थी, जो भी लोग आ रहे हैं बस उनको 1 सेकंड का भी समय मानिए नहीं मिल रहा है जल चढ़ाने के लिए। बाबा को बस प्रणाम करिए और उसके बाद आय की तरफ बढ़ जाइए, दूसरे को मौके दीजिए। जल चढ़ा दिए। कहाँ से आए हैं जल चढ़ाने के लिए? पटना से। पटना से आए हैं? रानी घाट से। अच्छा, रानी घाट से पहली बार आ रहे हैं क्या? और पहले आए होंगे? नहीं, हम बहुत बार आते हैं बाबा। बहुत बार? हम तो पहली बार आए थे। ना, हम बहुत बार आते हैं। एक बार बोलिएगा बोलबम 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 बोलबम। दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगा, और इस ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने पहलेजा घाट से आपको ब्लॉग में दिखाते हुए यहाँ पे बाबा हरिहरनाथ मंदिर का पूरा दर्शन करवाया, और जो कुछ भी था वो दिखाया आपको, पार्किंग से लेके हर चीज दिखलाया। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से जल उठा करके पहलेजा घाट सोनपुर से उठा करके गरीबनाथ को भी जाते हैं पैदल, जो कि वीडियो मैंने आपको बता दिया है, और वहाँ पे जो बाबा थे वो भी बताए, और यहाँ के मंदिर के बाबा से भी आपने बात को सुना कि आखिर इस मंदिर का क्या महत्व है, आखिर ये मंदिर इतना क्यों विख्यात है, आखिर यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग क्यों आते हैं जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अभी भी देखिए बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं, और मैं वापस से उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क किया था, और देख लीजिए बहुत सारे लोग लौट रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है अभी आ रहे हैं। बोलबम बोलबम। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक आपने चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार। एक बार प्रेम से बोलिएगा कमेंट में बोलबम।